नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। आप जानते हैं, लखनऊ में एक मेगा इवेंट, जिसको आप कह सकते हैं, ये कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है जो पूंजी निवेश आमंत्रित करने के लिए समिट का आयोजन किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गवर्नर के अलावा भी बहुत सारे उद्योगपति, और आप कह सकते हैं कि गवर्नर के अलावा जो देश के बड़े उद्योगपतियों में शुमार चेहरे हैं, वो लखनऊ में मौजूद थे। और सबकी निगाहें इस पर लगी हुई थी कि कितने प्रस्ताव आते हैं। आप जानते हैं, शुरू में केवल 10 लाख करोड़ के पूंजी निवेश की एक योजना बनाई गई थी कि शुरुआत उससे हो। बाद में पता चला कि 7 लाख करोड़ तो विदेश से ही आ रहे हैं, विदेशी जो पूंजी निवेशक हैं वही प्रस्ताव भेज रहे हैं, बढ़ा करके उसको 17 लाख किया गया। इवेंट से दो दिन पहले पता चला कि नहीं, ये तो बढ़ करके अब 21 लाख करोड़ हो रहा है। कल बताया गया कि 27 लाख के करोड़ के प्रस्ताव आ गए हैं, और समिट समाप्त होने से पहले ये सूचना आ रही है कि 32 लाख करोड़ के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश के लिए आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, अभी 3-4 साल पहले तक भी जो भारत का बजटीय प्रावधान होते थे वो करीब करीब 35 लाख करोड़ के होते थे, और अकेले उत्तर प्रदेश में अगर 32 लाख करोड़ के पूंजी निवेश के प्रस्ताव आए हैं तो ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ लखनऊ से ही वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके आगे चर्चा बढ़ाते हैं और जानना चाहते हैं उनसे कि इसके मायने क्या हैं जो इतना बड़ा पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में आने वाला है। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। आपका माइक शायद म्यूट है। जी, अब आ रही होगी आवाज, आप इसको अनम्यूट कर दीजिए। उधर से म्यूट कर दिया है, अब आ गई आवाज। हाँ, अब आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो बात हो रही, पिछले वर्ष दिसंबर में 16 मंत्रियों के नेतृत्व में करीब जो है कई यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के तमाम देशों का दौरा किया गया। उसके बाद रोड शो हुए और उसके बाद भारत के तमाम बड़े शहरों में रोड शो हुए। मुख्यमंत्री स्वयं बंबई गए और प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। तो अब तक तो सारा फोकस ये था कि कौन कौन कहाँ गया, कितने लाख के किए, ये हुआ, ये सब चलता रहा। लेकिन अब जो ये 2018 की जो इस तरह की समिट थी, उसका नाम यूपी निवेश समिट था, उसका नाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं था। तो ये समिट इतने बड़े व्यापक स्तर पे होगी, इसका तो हम लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा और देश विदेश के इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये भारत के इतिहास में इसके पहले इस तरह की समिट और इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना वेल नेटवर्क जो प्रयास है, इसके पहले केवल हमने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी हमने देखा है। उसका नाम आपको याद होगा, गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ करती थी। तो यूपी में ये जो काम हो रहा है, ये कोई अगर अगर जो आपने बताया 32 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव, ये तो कल ही आ गया था, ये आज नहीं आया है। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा सरकार ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती अपने सर पे ली है। ये कोई जो है बहुत खुशियां मनाने की बात नहीं है। अब ये इतना चैलेंजिंग टास्क होगा आपके लिए कि
जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने काम किया गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, और जिस तरीके से वो पिछले 9 वर्ष से काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के में केंद्र प्रधानमंत्री के रूप में, इसके लिए बहुत ही भागीरथ प्रयास की आवश्यकता होगी। और सबसे बड़ी बात जो इसका लाभ होगा उत्तर प्रदेश को, देखिए पहली बात तो ये स्पष्ट कर दें कि 32 लाख करोड़ का अगर किसी को लगता है कि ये 2 साल या 5 साल में आ जाएगा तो ऐसा नहीं है। निवेश की एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और उसको धरातल पे ऊपर पे उतरने में लंबा समय लगता है। उसका एक होता है जेस्टेशन पीरियड। यदि आज अगर हम ये घोषणा करते हैं, अगर कोई कंपनी घोषणा करती है कि यूपी में वो 5000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाएगी, तो उसके फाइनेंशियल क्लोजर यानी उसको उसके फाइनेंशियल कौन होंगे, प्रोजेक्ट के फंड कहाँ से आएगा, उसके बाद कम से कम लगते हैं 45 से 50 महीने बिजली यानी, और वो लगभग 5 साल हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी काम हुआ है और इसको पूरा करना, इसके पीछे पड़ना, पूरे प्रदेश सरकार को एक भागीरथ प्रयास करना होगा। और जो इसका जो लॉन्ग टर्म में उत्तर प्रदेश की जनता को, प्रदेश की इकोनॉमी के लिए जो लाभप्रद होगा, वो सबसे बड़ी बात ये है कि 1991 में भारत सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म की प्रोसेस शुरू की थी। उसके बाद से बहुत सारे जो सरकारी कंट्रोल थे, जो बाबुओं का नियंत्रण था, सारे फैसले बाबू करते थे, उस पर चेंज आया। सरकार ने बहुत सी चीजों को डीरेगुलेट किया, उनको उनको ट्रांसपेरेंट बनाया, उनको अकाउंटेबल बनाया। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जिस तरीके से तेजी से डिजिटाइज किया गया कि अब आपको रोज दफ्तर आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन अप्लाई करिए और ये फॉर्मेट है, ये 5 शर्तें हैं, इनको पूरा करिए और एक समय सीमा में आपको हम इसका अप्रूवल दे देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो इसका उदाहरण है नेशनल गति शक्ति मिशन। अब गति शक्ति मिशन में अगर हमें रेल लाइन अगर शुरू करनी है तो हमने उसमें वो प्रस्ताव डाल दिया। अब सारे 34 मंत्रालयों की ये जिम्मेदारी है कि वो ये बताएं कि रास्ते में कौन सी फॉरेस्ट लैंड है, कहाँ पे गैस पाइपलाइन है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे नाला है, कहाँ झरना है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पे इकोलॉजिकली फ्रजाइल लैंड है, कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसमें बाधाएं आ सकती हैं। तो वो सारा काम ऑनलाइन होता है। यही काम अब यूपी में होगा इसके आने के बाद। और जैसे आप सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से, और योगी जी भी कह रहे हैं ईओडीबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये काम अब रफ्तार पकड़ेगा। जैसे अगर हम गाजियाबाद या लखनऊ की बात करें तो इतना ज्यादा कागजों का, कानूनों का, फाइलों का मकर जाल है कि महीनों हम भागते रहेंगे जीडीए और एनडीए में, पॉल्यूशन बोर्ड में, उसके बाद बिजली कनेक्शन में, फिर सब रजिस्ट्रार के यहाँ। ये सारी चीजें जो हैं अब यूपी में इसके पोर्टल बन गए हैं, निवेश मित्र है, निवेश साथी है, और भी कई बने हैं। तो ये चीजें अब स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। और जैसा कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा अपने भाषण में कि अब यूपी में रेड टेप नहीं है, रेड कार्पेट है। तो ये रेड कार्पेट जो है ये केवल टाटा बिरला अंबानी के लिए नहीं है, ये आम आदमी के लिए भी होगा। ये प्रोसेस की शुरुआत हुई है, सबसे बड़ा काम ये है। तो ये मैं कहूंगा कि ये जो है सही, ये कोई ये उपलब्धि नहीं है, ये सरकार ने अपने सर पे बहुत बड़ी चुनौती ओढ़ी है इस समिट के बाद। क्योंकि अब अगर आप जनता के बीच में ये संदेश दे रहे हैं कि 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, तो आज के 2 साल बाद 3 साल बाद ये आपसे तो ये सहज सवाल उठेगा कि भाई आखिर इसमें कितने निवेश के प्रस्ताव जो है ट्रांसलेट हुए ग्राउंड पे, धरती पे कितने उतरे। तो ये जो है बहुत बड़ी चुनौती है। और इसने जिस तरह की ऊर्जा को अनलीश किया है, जिस तरह की ऊर्जा को अनलीश करेगी, तो पूरा जो यूपी की जो ब्यूरोक्रेसी, जो सुस्ती और इनएफिशिएंसी और लेट लतीफी और रेड टेप और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात है, अब इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल तरीके से काम करना होगा। और एक तरीके से इस समिट के बाद योगी आदित्यनाथ ने आने वाले पूरे एक दशक के लिए यूपी का एक एजेंडा सेट कर दिया है। और ये होता है विकास। विकास का माने ये नहीं कि हमने कहीं सड़क बनवा दी, कहीं बिल्डिंग बनवा दी विकास। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है। इसमें शिक्षा भी है, इसमें स्वास्थ्य भी है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी है, इसमें डेयरी भी है, इसमें टूरिज्म भी है, इसमें स्पिरिचुअल और धार्मिक पर्यटन भी है। सारे करीब जो है सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इसमें शामिल है।
तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक 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 तरह की योजना बनी है, और इससे इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा होगी, इससे इतना जबरदस्त एक दबाव पैदा होगा कि सबको इसमें एक मंच पे आना होगा। और जिस तरह की राजनीति रोज होती है, रोज एक नया आरोप, रोज नया एक आरोप, और डूम और ग्लूम की रोज एक भविष्यवाणी, सब बर्बाद और ये हो गया वो हो गया। तो आइए, अब तक आप आरोप लगा रहे हैं पिछले 5 साल से कि यूपी में बड़ी महंगाई है, बड़ी बेरोजगारी है, तो चलिए अब रोजगार देने की शुरुआत हो रही है। आइए और आप बताइए कि क्या कमी है, जो अन्य दलों के लोग हैं वो बताएं कि वो इसमें क्या योगदान कर सकते हैं, और क्या वो चाहते हैं, क्या उनके सुझाव हैं, क्या वो क्या चाहते हैं इसमें, और क्या होना चाहिए। आइए बैठ के बात हो, बहुत होगी नारेबाजी और रोज धरना प्रदर्शन जुलूस और यूपी बंद करो जेल भरो, ये सब होता रहता है यहाँ पे। तो अब ऐसी सरकार ने ऐसी स्थितियां बना दी हैं, अब यूपी में एक ऐसा विमर्श बनेगा, आओ भाई काम करें, ये बहुत हो गया जिंदाबाद मुर्दाबाद, आप क्या दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा भागीरथ प्रयास किया है, यूपी की राजनीति को एक स्थायी दिशा, स्थायी विमर्श और स्थायी एजेंडा। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये पूरा दशक इस पे काम करना पड़ेगा आपको, तब जाके इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। वीरेन जी, एक तरफ काशी नगरी चमका दी गई है, दूसरी तरफ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, मथुरा पर भी फोकस है। ये तो हमारे जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पौराणिक और गौरवशाली हमारे इतिहास और संस्कृति के आस्थाओं के केंद्र हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन लगे हाथ उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जो ये परिकल्पना की गई, और जैसा आपने भी कहा कि गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से अब फोकस किया जा रहा है, तो ये जो अवधारणा है, ये जो विचार है, ये जो अप्रोच है, सोच है, ये नरेंद्र मोदी की है, जो वो बहुत विश्वास कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर और उनके कंधों पर, उनकी मेधा पर, उनके परिश्रम पर, उनके अनुशासन और समर्पण पर, कि वही इसको कर सकते हैं। और ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ के आसपास है। पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है, और जिन भी राज्यों को बीमारू कहा जाता था उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया था। क्या एक बहुत बड़ी योजना नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल रही है कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देश का अगवा राज्य बनाने में कामयाब हो गए तो फिर भारत को कोई और ऊंचाइयां छूने की जो उसकी एक यात्रा शुरू हुई है 2047 तक के लिए, उसको कोई नहीं रोक पाएगा फिर? देखिए, खाली ये बात यूपी की नहीं है। आप अगर 2014 से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखें, उनके भाषणों को देखें, उनके इलेक्शन कैंपेन को देखें, उन्होंने लगातार ये कहा है कि नॉर्थ ईस्ट, बिहार, ओडिशा, यूपी, बंगाल, झारखंड, यूपी, बिहार, इनका विकास किए बगैर भारत का विकास नहीं हो सकता। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में फोकस किया है, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को रेल से जोड़ा गया है, नए एयरपोर्ट बने हैं, वाटरवे शुरू हुए हैं, और देश का सबसे लंबा, शायद 9 किलोमीटर लंबा जो पुल बना है ब्रह्मपुत्र पे, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के गांव-गांव में बिजली पहुंचाई गई है, जिस तरीके से अरुणाचल में बॉर्डर रोड्स का काम हुआ है, तो अरुणाचल में, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन आया है। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष को लेके काम नहीं होता। पार्टी का ये हमारा विजन है, ये हमारा एजेंडा है, हम इसके अनुसार काम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। और विकास का काम कभी जो है ये कभी एक व्यक्ति पे नहीं हो सकता, ये एक सामूहिक कार्य है। तो उत्तर प्रदेश के लिए जो काम हो रहा है, ये खाका नरेंद्र मोदी के मन में शुरू से था, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव और 20 और 21 का जो पेंडेमिक ये ले गया, इससे बहुत नुकसान हुआ देश की अर्थव्यवस्था को।
और 22 फरवरी से जो जो यूक्रेन में वॉर चल रही है उसके उसके चलते इंटरनेशनल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है और इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश में जो ये चीज थी और आम लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि पहले हर काम सरकार करती थी, अब ये सरकार के काम करने का युग समाप्त हुए 32 साल हो गया, यानी 1991 24 जुलाई को जब मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया था। अब सरकार का जमाना नहीं है, सरकार किसी मामले में पैसा नहीं लगाती है, सरकार एक एनेबलिंग एनवायरमेंट क्रिएट करती कि आइए पैसा लगाइए और ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसके तहत काम करिए और आपका सिस्टम हमारा पूरा अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव भागीरथ प्रयास जो यूपी में हो रहा है, मैं ये कहूंगा कि सरकार ने अब एक प्रोसेस अनलीश की है, एक द गवर्नमेंट हैज सेट इन ए प्रोसेस व्हिच विल लीड टू यूपी टू ए न्यू पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये काम किया है। तो इस लिहाज से देखें तो इसमें निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को वो क्योंकि ये सारा काम उनके नेतृत्व में हो रहा है तो जाहिर है उनको मालूम है कि वो कौन सी चुनौती दे रहे हैं, तो वो इसके लिए तैयार भी है कि उसको इनको पूरा करना है और निश्चित तौर पे इससे उनके कद में बहुत बहुत बड़ा बहुत बड़ी वृद्धि होगी और इसमें काम होता है। और इसके और इस तरह के विकास काम के लिए सबसे बड़ी जरूरत है एक स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप। ये काम कभी क्षेत्रीय पार्टियों के दौर में नहीं हो सकता। तो मैं जैसा मैंने कहा, मैं फिर दोहराता हूं कि यूपी ने एक प्रोसेस इनिशिएट हुई है और इस प्रोसेस को आपको लगातार ये आपको इस टेम्पो को लगातार बनाए रखना है, सस्टेन करना है। और एक नई बात जो हो रही है इस समिट के बाद, जो बार बार मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि ये विकास का मतलब केवल नोएडा गाजियाबाद मेरठ नहीं है, ये निवेश का काम, निवेश का माहौल उत्तर प्रदेश के 75 प्रत्येक 75 जिले में है। और अब तक जो यूपी में जो और इससे सबसे बड़ी बात होगी, पहली बार जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल इम्बैलेंस है, उसको एड्रेस किया गया है बहुत ही ठोस पूर्ण तरीके से। अब की बार निवेश जो है बहुत तादाद में ईस्टर्न यूपी में आएगा, मध्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आएगा, बुंदेलखंड में आएगा। और ये मैं आपको बता दूं, लखनऊ में ब्रह्मोस की मिसाइल की फैक्ट्री लग चुकी है, कानपुर में भी काम हो चुका है, अलीगढ़ में भी जो है कई दर्जन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लैंड अलॉट हो गई है, उन्होंने अपने फैक्ट्री के बिल्डिंग शेड बना लिए हैं और उनके प्लांट मशीनरी भी लग गए हैं, कुछ भी उत्पादन शुरू भी हो गया है, यही काम झांसी में भी हो गया है। और आप देखिए इस निवेश समिट के पहले जो आधारभूत ढांचा है उसके लिए भी बड़ा काम हो गया है, जैसे कि लखनऊ से 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस पूरा हुए एक साल से ऊपर हो चुका है, जो लखनऊ से सुल्तानपुर और जौनपुर फैजा और ये सब जिलों को होते हुए जाके जोड़ता है गाजीपुर, और उस इस को गोरखपुर से जोड़ने के लिए 96 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेस वे भी बहुत कुछ ही महीनों में तैयार होने वाला है। 292 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे जो चित्रकूट का है, बुंदेलखंड का, वो चित्रकूट से शुरू होकर के होता है और औरैया पे मिलता है। गंगा एक्सप्रेस वे जो 550 किलोमीटर का लंबा है मेरठ से प्रयागराज, उसका लैंड एक्विजिशन का काम 100% पूरा हो चुका है और उसके पैकेजेस भी कॉन्ट्रेक्टर्स को अलॉट हो चुके हैं। तो और जो और इसके अंदर जो नया काम हुआ है कि अब यूपी में बिजली का संकट नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अब कोई भी इन्वेस्टर बिजली के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन पे निर्भर नहीं है, अब वो एनर्जी एक्सचेंज से किसी भी इंडिपेंडेंट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर से बिजली ले सकता है और यूपी पावर कॉरपोरेशन का जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो उसका इस्तेमाल करेगा और जो उसका उसको बोलते हैं व्हीलिंग चार्जेस, ऊर्जा को लाने के लिए उसकी बहुत बहुत नॉमिनल कॉस्ट होती है, वो सीधे लेगा। और वो किस शर्तों पे लेगा ये हर इन्वेस्टर उस पावर प्रोड्यूसर से निगोशिएट करेगा। तो एक तो बिजली का हो गया, दूसरा और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो है लॉ एंड ऑर्डर। अब वसूली का डर नहीं है कि साहब हमने गाजियाबाद में फैक्ट्री लगाई तो लोकल गुंडे आगे भैया लाओ इतना लाओ तब काम होगा। तो अब ये एक्सटॉर्शन का जमाना चला गया यूपी में, अब ये सब नहीं होता है, ये सब जो है इट्स अ थिंग ऑफ पास्ट।
और यूपी में आज की तारीख में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशन होने जा रहे हैं। नोएडा का बनी रहा है, जेवर का, कुशीनगर का चालू हो गया है और फैजाबाद अयोध्या में बन रहा है, लखनऊ का चालू ही है। तो ये जो काम हो रहा है तो कनेक्टिविटी है, और दूसरे लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, ये बहुत बड़ा काम है। आपको याद हो कि जब प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी अनाउंस की थी तब उन्होंने कहा था कि जो ग्लोबल जो एवरेज है लॉजिस्टिक कॉस्ट का वो 7% है, यूपी में ये 14% है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि देश का लगभग 80% जो जीडीपी है वो 4 राज्यों से आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, और यूपी एक लैंडलॉक स्टेट है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु या उड़ीसा, ये सब जो है इनके पास सी पोर्ट है। तो यूपी को इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा कंपटीशन करना पड़ता है इन राज्यों से, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आएगा वो तो किसी भी बड़ी यूनिट या बड़ी फैक्ट्री की लोकेशन में उस को लगाने के पहले उसकी लोकेशन क्या है, वो किस इलाके में लग रही है, वहां पे रोड कनेक्टिविटी क्या है, पावर की अवेलेबिलिटी क्या है, लैंड की अवेलेबिलिटी क्या है, सी पोर्ट से क्या दूरी है। अब यूपी को चाहे वो हल्दिया पोर्ट हो बंगाल का, या वो कांडला पोर्ट हो गुजरात का, या बॉम्बे का, इन सबकी दूरी 1200 किलोमीटर या उससे अधिक है। तो इन सबको देखते हुए यूपी को इन्वेस्टमेंट लाना के लिए बहुत ज्यादा पहले ही कम्पीट करना पड़ता है। तो इस सब को देखते हुए ये जो है समिट इन सारे सवालों को एड्रेस करते हुए ये काम इस पे आगे बढ़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि अब जो है जो ग्राउंड मजबूत है, कनेक्टिविटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, पावर की अवेलेबिलिटी है, लैंड की अवेलेबिलिटी है, और जो जो गवर्नमेंट का जो रेड टेप है वो खत्म हो रहा है, और जो बचा है वो भी खत्म होगा। और सबसे बड़ा काम जो होगा वो है ईओडीबी, यानी भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था। अब ये ना कोई समझे कि ये सब काम 100% हो जाएगा, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, ये शुरू हुई, ये चल रही है पहले से, और इसको अब और तेज करना होगा, और इसका लाभ आम आदमी को महसूस होगा जो जाता है विकास प्राधिकरण में, नगर निगम में, तहसील के दफ्तर में, डीएम के कार्यालय में, कमिश्नर के कार्यालय में, यूपी पावर कॉर्पोरेशन के कार्यालय में, उन सबको महसूस होगा कि ये फर्क आ रहा है। तो ये जो है प्रोसेस का सिंप्लीफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये सारी चीजों को करेगा जो निवेश के साथ साथ आम जनता को और सरकार के बीच में जो तमाम जो गतिरोध है, मतभेद है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, परेशानी के, उनको कम करेगा इस रूप में। ये हमें दिखाई पड़ेगा कुछ ही साल दो साल में, बहुत बहुत करीब से। पर ये बताइए कि ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को क्या हुआ है? एक तो जिस समय ये बहुत बड़ा समिट लखनऊ में हो रहा था तो वो पहुंच गए वाराणसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र, वहां भी संकट मोचन मंदिर में मत्था टेकने के लिए, फिर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में वो बाकायदा पूजा अर्चन करते हुए दिखाई दिए, दूध के साथ जो है वो शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए रुद्राभिषेक करते हुए, और पूंजी निवेश को लेकर के उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो आश्चर्यचकित करती हैं। 2005 में काशी के संकट मोचन मंदिर पे आतंकवादी हमला हुआ था, और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उस हमले में आरोपित आतंकवादियों को के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की घोषणा की थी। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था, कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट की अर्जी को खारिज कर दिया था। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो वही अखिलेश यादव जो कल संकट मोचन मंदिर पे हमले के आरोपी आतंकवादियों को जेल से छुड़वा रहे थे, कल वो उसी संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी का आशीर्वाद देने गए थे। तो आप पहले समझ लीजिए कि उनकी राजनीति ये है। एक तरफ तो आप रामचरितमानस जलवा रहे हैं, फुंकवा रहे हैं, उस पर आप इस तरह का एक वितंडा खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप काशी विश्वनाथ मंदिर में
पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये है क्या? ये परेशानी है? जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई करने की कोशिश है? ये परेशानी नहीं है, ये उनकी लाचारी और ये उनकी बेबसी है। जब 2022 का असेंबली चुनाव था तब वो परशुराम का मंदिर बनवा रहे थे, वो और फिर वो जो है विष्णु मंदिर बनवा रहे थे। अभी पिछले महीने वो तेलंगाना गए थे, वहां के मुख्यमंत्री KCR भरभड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, उस मंदिर की आधारशिला रखने में गए थे। फिर लौट के आए तो यहाँ पे स्वयं शाह मौर्य ने रामायण के बारे में अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। तो ये केवल जो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी हिंदुत्व की राजनीति है, इसको कैसे मुकाबला किया जाए ये उनके समझ में नहीं आता है। कभी वो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो है चादर ओढ़ लेते हैं, फिर वो एकाएक बहुत ही आग्रह कम्युनिस्ट पार्टियों के तरीके से बहुत ही उग्र और आक्रामक तरीके से वो घनघोर सनातन हिंदू विरोधी हो जाते हैं, जाति का जहर छोड़ देते हैं। और बिल्कुल जो 90 के दशक का जो हमने जातिवाद का विटंडा देखा है वो उस पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। तो ये केवल उनको ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो कौन सा राजनीतिक विमर्श को वो अपनाएं जिसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी बीजेपी के हाथों, उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 2017 का विधानसभा चुनाव भी अखिलेश यादव बुरी तरह हारे। 2019 में समाजवादी पार्टी ने BSP और राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया, कुछ हाथ नहीं लगा, 5 सीटें लगी, RLD को 1 सीट मिली, बहुजन समाज पार्टी को 10 मिल गई। 2022 में फिर असेंबली चुनाव आया, इन्होंने जो है अति पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं को इन्होंने साथ लिया, अपनी पार्टी में मिलाया, तमाम छोटी छोटी पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया, कुछ नहीं मिला, हाँ सीटें बढ़ गई, 111 हो गई। तो अब 2024 का पांचवां चुनाव जो लोकसभा को आ रहा है, तो अब समाजवादी पार्टी के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, इट्स ए बैटल, ये समाजवादी पार्टी के लिए एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि फिर और अगर अब नहीं मिला, 24 में कुछ नहीं कर पाए तो फिर तो मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए ये जो बेचैनी है, कभी रामायण पे हमला, कभी रामचरितमानस पे हमला, कभी ये और सबसे स्ट्रेंज बात ये है जो चौंकाने वाली बात है, वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा विधानसभा में कि मैं शूद्र हूं कि नहीं। ये काम मुख्यमंत्री का नहीं है, ये काम भारत के कानून ने तय कर दिया है, संविधान ने तय कर दिया कि कौन क्या है और किसको किस वर्ग और किस जाति किस मजहब के आधार पर क्या सुविधा मिलेगी, क्या क्या विशेष रियायत मिलेगी, ये सारी व्यवस्था संविधान में तय है। परसों स्वामी प्रसाद मौर्य चिट्ठी लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि रामायण से साहब ये चौपाई निकलवाई जाए। भारत के प्रधानमंत्री से क्या मतलब कि किस धर्म की पुस्तक में क्या चीज जोड़नी है, क्या चीज निकालनी है, ये काम भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये तो ये कंफ्यूजन है, ये भ्रमिक स्थिति है। एक तरफ जो है चोर से कहे चोरी करो, साहस से कहे होशियार रहो, मौर्य को लगा दिया गाली देने के लिए, खुद जो है जाके जो वो तीर्थयात्री बने हुए हैं वाराणसी में। तो ये केवल ये जो कश्मकश है, ये जो डायलमा है, ये जो कंफ्यूजन है, ये जो तनाव है, ये केवल यही दिखाता है कि समाजवादी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि वो किस लाइन पे चले, कौन सा विमर्श ले, सॉफ्ट हिंदुत्व ले या एग्रेसिव एंटी हिंदू लाइन ले जो कांग्रेस की है। हालांकि वो जो भाई साहब हैं वो मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, लेकिन उनको मोहब्बत की दुकान में उन्होंने क्या क्या किया वो सब आप देख ही रहे हैं। तमिलनाडु का जो क्रिश्चियन पादरी है जॉर्ज पोनप्पा, वो कह रहा है कि भारत धरती तो इतनी गंदी है, मैं यहाँ पे पाँव नहीं रखता, मैं चप्पल पहन लेता हूँ, और ये दुर्गा शक्ति क्या होती है, गॉड केवल एक है, वो है जीसस क्राइस्ट। और ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का सबसे बड़ा ये किरदार था। तो और साफ करके कहूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारत की राजनीति जो है, जो पहले घास का मैदान थी, अब भारतीय जनता पार्टी ने इसमें हिंदुत्व का एस्ट्रोटर्फ बिछा दिया है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये घास के मैदान में खेलने के आदि थे कि ये 5 जाति के ले आओ, ये बैकवर्ड ले आओ, ये दलित ले आओ, और इतने मुसलमान ले आओ, एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाओ और सरकार बनाओ। कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं, कोई जो है
कॉम्प्रिहेंसिव आइडियोलॉजिकल बेस नहीं, बस किसी तरह इलेक्शन जीतो, सरकार बनाओ, मौज मारो, और जो कुछ होता आया सरकारों में वो आप जानते हैं। तो ये जो हो रहा है, अखिलेश यादव का वाराणसी दौरा और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये पीएम को पत्र लिखना कि साहब की रामायण से ये चौपाई निकलवाई जाए, ये केवल कंफ्यूजन है, ये इनका भ्रम की स्थिति है। ये तय नहीं कर पा रहे कि आखिरकार लड़ा कैसे जाए बीजेपी से, चार बार तो हार चुके हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण, राज्यसभा में भाषण और लखनऊ में ग्लोबल समिट, क्या 2024 का बिगुल बजा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो आपको मालूम है, हर चुनाव ऐसे लड़ती है कि जैसे उसका ये अंतिम चुनाव है। और उनके लिए आपको याद होगा, आज से दो वर्ष पहले हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी में नगर निगम का चुनाव था और उसमें कैंपेन करने योगी जी गए थे यूपी से, जेपी नड्डा भी गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो चाहे पंचायत का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो। तो और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये उसका ये प्रयास रहता है कि जनता के सामने हमारे पास रोज नई बात कहने को हो, नए टॉकिंग पॉइंट हो। अगर प्राइम मिनिस्टर अगर 2024 में कैंपेन करने आएंगे तो नोएडा गाजियाबाद में कहेंगे हमने बना दिया एयरपोर्ट, और वो जब अयोध्या आएंगे वहां से 500-600 किलोमीटर आगे तो वहां भी बताएंगे कि देखिए यहाँ इतने भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ इतने भवनों का निर्माण हुआ, इतने घाट का निर्माण हुआ, रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, ये हमने किया। तो यूपी के हर कोने में हमारे पास कुछ ठोस कहने को होगा। हमने वंदे भारत चलाई है दिल्ली वाराणसी के बीच में, वंदे भारत चलने वाली है अब दिल्ली लखनऊ के बीच में। हमने मेरठ में RRTS जो है मेट्रो से बेहतर अर्बन ट्रांसपोर्ट की सुविधा हमने प्रोवाइड की है, आगरा में मेट्रो चलाई है, कानपुर में मेट्रो चलाई है। तो ये सब चीजें जो लगातार काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है, तो जनता से संवाद करने के लिए, जनता को बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैंने देखा है 9 सालों में वो सदैव तैयार रहती है, तो ये भी एक उसी में नया कदम है। और निश्चित तौर पर 2024 के पहले योगी आदित्यनाथ जी अवश्य चाहेंगे कि जो कल आज और जो कल होने वाले हैं, जो MOUs हुए हैं और जो आज जो कल और आज दिन भर जो देशी विदेशी तमाम डेलीगेशनों से जो लंबी बैठकों का दौरा चला है, तो वो चाहेंगे कि भाई इसमें काम बस कल ही से शुरू हो जाए, इसमें विलंब ना हो। और ये शुरू इसलिए भी हो सकता है कि केंद्र सरकार का बजट आ चुका है, यानी केंद्र सरकार की नीतियां आ चुकी हैं, अब पॉलिसी लेवल पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो और अब लोकसभा चुनाव कितना दूर बचा है, अगले साल मार्च में घोषणा हो जाएगी, मार्च के एंड तक कैंपेन शुरू हो जाएगी, अप्रैल में पूरा चुनाव हो जाएगा और 14-15 मई तक आ जाएगा परिणाम। तो 1 साल का समय बचा है। निश्चित तौर पर यूपी सरकार का पूरा प्रयास होगा कि कुछ धरातल पे हर जगह प्रदेश के हर कोने हर 4-5 कोनों में दिखना चाहिए कि क्या कार्य हुआ। तो आप इसको मान सकते हैं कि ये चुनाव का बिगुल बच गया। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी इतना समय निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार।